Sarah Michelle Jackson. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is PArOmitA and you are watching PArOmitA's Delight. So jin logon ne mere channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai wo mere channel ko subscribe kar lijiye aur subscribe ke baaju mein jo bell icon hai usse bhi tap karna na bhule taki aapko mere latest videos ki notifications milti rahe. So yeah, start karte hain aaj ka vlog and happy Makar Sankranti to all of you. Happy Pongal, happy Sankranti. एंड ब्ला 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 जो 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 जिसके जिसके फेस्टिवल्स हैं उस हिसाब से. सो आज का दिन तो छठी का दिन है तो अभी हम निकल रहे हैं बिकॉज आज हम थोड़ा सुबह उठ गए हैं एंड मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए. हम वहाँ से रिटर्न होंगे उसके बाद में हम खाएंगे बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही डिफरेंट सा एक ब्रेकफास्ट जो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी. सो कीप वॉचिंग. सो अभी हम आ गए हैं बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेलने के लिए और कोई भी नहीं है. सुबह सुबह कोई नहीं आता है. हम आज सुबह मैं ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को बोल बोल के उठाया है और हम आ गए हैं खेलने के लिए. तो अभी हम खेलने जा रहे हैं. By the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. खेल के आने के बाद मेरा हाल बहुत बुरा हो रखा है. पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बट बहुत मज़ा आया. और अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा संक्रांति रिचुअल जिसमें कि हम क्या क्या खाते हैं मैं आपको दिखाऊंगी. बट संक्रांति के दिन में मेरे घर पे तो ऐसा ही होता था और यहाँ भी ऐसा ही होता है कि बिना नहाए हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हैं. इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी कि नहा के और पूजा करके उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करना है. तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने और नहा के आने के बाद में फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि हम आज क्या ब्रेकफास्ट खाते हैं. अगेन आज पहनी है मैंने साड़ी बिकॉज फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का ही मौका होता है या छुट्टी का दिन होता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ और मन भी करता है पहनने का. अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है. तो फिर मैंने नहा लिया और उसके बाद में पूजा वगैरह सब कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने. वैसे वो ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ रेडी करने का होता नहीं है. जस्ट जो चूड़ा होता है या जो पोहा होता है उसको दही के साथ में मिक्स करते हैं एंड आपको गुड़ लेना है तो गुड़, चीनी लेना है तो चीनी वो उसमें मिक्स कर देते हैं एंड या और दैट्स इट. वो रेडी हो जाता है. बस मैं दिखाऊँगी कि उसको कैसे खाया जाता है और किस किस चीज़ के साथ खाते हैं. ऑथेंटिक डिश ये है. दही चूड़ा और गुड़ इसमें मिक्स किया हुआ है और ये जो ऊपर से ये दिया है ये तिलकुट जो चूड़ा चूड़ा हो गया है वो है. ये है तिलकुट, ये है बादाम पट्टी. सो दिस इज द वे जिस तरीके से मेरे मतलब इन लॉज जो है वो इस तरीके से खाते हैं बट मेरा थोड़ा डिफरेंट तरीका है. सो दिस वन इज माई स्टाइल ऑफ ईटिंग. ये मैंने गुड़ लिया है अलग से और ये दही चूड़ा और उसके साथ में लाई दाना जो है वो भी है और थोड़ा सा चीनी मैंने इसमें स्प्रिंकल किया है और ये है बादाम पट्टी और ये सेम तिलकुट. एक्चुअली तिलकुट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ा सा लिया है. ब्रेकफास्ट के बाद में अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट बिकॉज पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है एंड एडिटिंग वगैरह का थोड़ा काम है वो करूँगी बस और कुछ नहीं. और लंच आज हमारा थोड़ा मतलब इतना कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है. लाइक जब मैं घर पे थी तो 14 जनवरी या 15 जनवरी जो ये संक्रांति होता है इसको मकर संक्रांति बोलते हैं वहाँ पे और खिचड़ी के नाम से भी उस दिन को जाना जाता है बिकॉज उस दिन खिचड़ी खाई जाती है दोपहर के टाइम पे. बट यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है तो नॉर्मल ही सब कुछ खाना बनेगा. सो यार लंच में आज मैं कुछ बना नहीं रही हूँ. मुझे थोड़ा एडिटिंग का काम है और लंच का जो भी मेन्यू डिसाइड किया वो मेरी मदर इन लॉ ने डिसाइड किया है तो वो सब कुछ बना रही हैं. सो यार बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, दो तीन चीज़ें हैं दैट्स इट. और लंच तो हम करेंगे वही 1:30. मैं
शाम दोपहर भर बैठकर मैंने सिर्फ एडिटिंग करी है और उसके बाद मैं 4:30 को मुझे नींद आ गई। फाइनली मैं सब कुछ काम करके सो गई एंड उसके बाद अभी मैं उठी हूँ, भी बज रहे हैं 6:30 एंड थोड़ी सी भूख लग रही है, बट देखते हैं क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ मैं। स्नैक्स एंड ऑल हो गया है, काफ़ी लेट हो गया स्नैक्स करते करते। आज मैंने स्नैक्स में ढोकला बनाया था, बट पता नहीं प्रोपोर्शन में शायद कुछ गड़बड़ हो गया था तो उतना अच्छा बना नहीं, बट इट्स फाइन। और आज डिनर में काफ़ी लेट हो गया है, लाइक अभी बज रहे हैं 8:30, तो आज मेरा डिनर बहुत लेट होगा, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। एक्चुअली शाम को मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, फिर ढोकला बनाते बनाते वो मतलब अंदर से कच्चा ही रह गया था, फिर मुझे एक बार फिर से डालना पड़ा, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया। सो इट्स फाइन, अब हम डिनर करेंगे, तो अभी हम रोटी बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम डिनर करेंगे। छुट्टी आती भी है और चली भी जाती है, बहुत दुख होता है जब चली जाती है, बट इट्स फाइन। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें दूर दूर तक शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।